बीजेपी के नेताओं द्वारा कई तरह की गलतियां की जा रही हैं, कई तरह के हथकंडे अपना कर निर्दोष आदमी को जेल में डाल दिया जा रहा है। उनके दल में कई बड़े बड़े पूंजीपति लोग हजार गलतियां करने के बावजूद पाक साफ हो जा रहे हैं उनके साथ जुड़ने के बाद। बीजेपी के सभी नेताओं को मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप लोग करेंगे वैसे ही आप लोगों को मिलेगा। आप लोग सोच रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र सब पर रहती है। 75% पब्लिक का मूवमेंट तो चेंज हो चुका है, बाकी 25% वो भी चुनाव नज़दीक आते आते प्लस हो जाएगा। सीधे शब्दों में आप लोग जान लीजिए कि गलत का एक न एक दिन नाश होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे हिसाब से आप लोग सरासर गलत कर रहे हैं, गलत का परिणाम आप लोग जन्मे करते हैं, गलत होता है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन निष्कर्ष निकलता है, इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। आवेश में आकर, घमंड में आकर अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रोहिणी आचार्य लालू जी की बेटी के बारे में इतना घिनौना वर्ड यूज किया था। बीजेपी के नेताओं में कोई सुधार नहीं। ऐसा होता है जब नाश, तो कविता में नहीं लिख कहा गया है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो वैसे ही हाल बीजेपी के नेताओं का है, वही हाल हो गया है। नाश का घड़ी जब आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, विवेकहीन हो जाता है आदमी। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसकी समझ नहीं रहती है।